हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट ज़ेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी यूनिट 4। सो यूनिट 4 से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं अब तक। अगर आपने नहीं देखे वो सारे सेशंस तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा, लेट मी कम टू द टॉपिक। सो लास्ट सेशंस में हमने ये सारे टॉपिक्स किए हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ मैं, ये सारे टॉपिक्स हमने किए हुए हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट सेशन में हमने बात की थी, लास्ट टू लास्ट सेशन में डेफिनेशन ऑफ पावर की बात की थी हमने। कॉन्ट्रास्टिंग लीडरशिप एंड पावर, डिफरेंसेस बिटवीन लीडरशिप एंड पावर की बात की थी हमने लास्ट सेशंस में। सो लास्ट सेशन में हमने ये टॉपिक भी लिया था, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल बिहेवियर, जिसके अंदर हमने देखा था इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, राइट। लास्ट सेशन में हमने देखा था व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होता है इस पर हमने बात की थी, उसके डेफिनेशन पे बात की थी हमने, राइट उसके 7 फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, उन पे बात की थी हमने। एंड आज बात करेंगे इस सेशन में क्रिएटिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कैसे, एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, विल सी हियर। सो फर्स्ट देखेंगे ए, कैरेक्टरिस्टिक्स शेपिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। सो वो क्या हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, विल सी हियर। फर्स्ट देखेंगे हाई इन रिस्क टॉलरेंस। रिस्क, आप जब भी कोई काम करने जाते हैं, नया काम करने जाते हैं तो उसमें रिस्क होता है, ठीक है। या तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या तो आप उसमें फेल होंगे, ठीक है। सक्सेस एंड फेल्योर दोनों साथ में चलते हैं, या तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे या तो आप फेल्योर हो जाएंगे, तो एक रिस्क होता है। तो किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर रिस्क लेते हैं और उसका क्या टॉलरेंस लेवल है आपका, सो दैट इज हाई इन रिस्क टॉलरेंस। दूसरा, लो टू मॉडरेट इन अग्रेसिवनेस। हम सिंपल एक लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे एंड क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आपको इजीली समझ में आएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर सेशन फॉर द सेम टॉपिक, राइट। सो लो टू मॉडरेट इन अग्रेसिवनेस, ठीक है। सो जब ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करेंगे तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या क्वालिटीज होंगी उसकी। सबसे पहले बात करेंगे हाई इन रिस्क टॉलरेंस की। जो टॉलरेंस लेवल होता है, सहने की क्षमता होती है एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर या फिर टीम के अंदर, दैट शुड बी हाई इन रिस्क टॉलरेंस, राइट। एंड लो टू मॉडरेट इन अग्रेसिवनेस, आपका जो अग्रेशन लेवल होगा, किसी काम को करने के लिए आप अग्रेसिव हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप मेंटेन करेंगे, उसको भी आप लो टू मॉडरेट रखेंगे। उसको बहुत ज्यादा अगर आप अग्रेसिव है किसी चीज को करने के लिए तो या तो आप उसको, क्योंकि अग्रेशन का क्या मतलब होता है, अग्रेशन का मतलब कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हाइपर हो जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा अपना टेम्परामेंट, जो आपका जो टेम्परेचर है वो शो कर रहे हैं आप एकदम। कोई बात अगर आप मॉडरेट लेवल में एक पोलाइटनेस के साथ किसी बात को बना सकते हैं बात करके, तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एकदम झगड़ा करने लग रहे हैं, एकदम अग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो वो नहीं होता, वो नहीं चाहिए होगा। आपको क्या चाहिए होगा यहाँ पर, लो टू मॉडरेट इन अग्रेसिवनेस। जो आपका जो अग्रेशन लेवल होगा, जो आपका एक टेम्परामेंट होगा, वो लो टू मॉडरेट होगा विद द पीपल, राइट। थर्ड देखेंगे फोकसेस ऑन मींस एज वेल एज आउटकम्स। सो आपका फोकस क्या होगा, आउटकम पे होगा, क्या उसका आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या आउटकम है, दैट यू नीड टू फोकस। फोर्थ, मैनेजर्स आर सपोर्टेड फॉर टेकिंग रिस्क एंड इनोवेटिव। सो जो मैनेजर्स हैं उनका आपके लाइफ में क्या रोल होना चाहिए, एज एन सबऑर्डिनेट, एज एन इंडिविजुअल इन द टीम। आपको आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है आपके मैनेजर से, दैट इज कि जो मैनेजर्स हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए, वो रिस्क और इनोवेशन में आपका साथ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम काम करने जा रहे हैं, अगर वो काम नया है, अगर हम कुछ इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक रिस्क होता है, तो उसमें आपके जो मैनेजर हैं उनका पूरा साथ होना चाहिए, दैट इज द एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फिफ्थ देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कल्चर एक्सर्ट्स मोर इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉइज देन अ वीक वन। सो ऑब्वियसली बात है, जब स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा इन सारे फीचर्स के साथ आप देखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो ऑब्वियसली वो मोर इन्फ्लुएंशियल होगा, वो आपको ज्यादा प्रभावित करेंगे रादर देन जो वीक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं, राइट। बी देखेंगे, हाउ कैन मैनेजमेंट क्रिएट अ मोर एथिकल कल्चर। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन लगा के बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट एथिकल कल्चर क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो हम देखेंगे किस तरह से ये किया जाना चाहिए और किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बी अ विजिबल रोल मॉडल, विजिबल इन द सेंस कि आप जो भी गोल्स क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आप गोल्स दिखा रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, मैनेजमेंट को, सो वो जो आपका गोल है ना, जो आपका रोल है ना, वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों की यही करने जा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। दैट शुड बी विजिबल टू एवरीवन। सेकेंड, फर्स्ट में ए देखेंगे, एम्प्लॉइज लुक टू टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर एज अ बेंचमार्क, क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो टॉप मैनेजमेंट के बिहेवियर को एज अ बेंचमार्क समझते हैं कि अच्छा उन्होंने किया तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनके लिए एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल मॉडल होते हैं, आप कह सकते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है, वो जो काम करते हैं, जो स्टाइल उनकी है काम करने की, वही बेस्ट है, क्योंकि उसी से वो आगे बढ़ते हैं। तो उनके जो अंदर काम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए वो बेंचमार्क का काम करते हैं टॉप मैनेजमेंट। सबऑर्डिनेट्स, नॉर्मल जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले, वो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनसे वो सीखते हैं। सो दैट इज व्हाई देयर बिहेवियर आर बेंचमार्क फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए वो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं वो बेंचमार्क का काम करते हैं, राइट क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। दे टेक देम एज अ बेंचमार्क। सेकंड देखेंगे, कम्युनिकेट एथिकल एक्सपेक्टेशंस। उसके अंदर देखेंगे ए, कोड ऑफ एथिक्स कैन मिनिमाइज एथिकल एम्बिग्यूटीज। जो कोड ऑफ एथिक्स है कैन मिनिमाइज एथिकल एम्बिग्यूटीज, मतलब कि जो एथिकल एम्बिग्यूटी है, जो चीजें अनक्लियर हैं, अस्पष्ट हैं, उनको खत्म करता है, उनको मिनिमाइज करता है कोड ऑफ एथिक्स। जब आप एथिक्स की बात करेंगे, उनके तरीके की बात करेंगे, तो जो आप एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के फॉलो कर रहे हैं, वो अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके एथिक्स है वो स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली जो एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, वो मिनिमाइज हो जाएगी, राइट। बी देखेंगे, प्रोवाइड एथिकल ट्रेनिंग। सी देखेंगे, ट्रेनिंग सेशंस दैट रीइंफोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड क्लैरिफाई परमिसिबल प्रैक्टिसेस। जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं दैट रीइंफोर्स स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड क्लैरिफाई परमिसिबल प्रैक्टिसेस, वो क्लैरिफाई करते हैं जो परमिसिबल प्रैक्टिसेस होते हैं, जिनको आप इजिली अलाउ करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस को वो क्लैरिफाई करते हैं, राइट, इन दी कम्युनिकेट एथिकल एक्सपेक्टेशंस के अंदर। फोर्थ क्या होगा देखेंगे, विजिबली रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनएथिकल वंस। सो क्या कह रहे हैं कि जो विजिबली रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स हैं, जो चीजें दिखती हैं जो विजिबल हैं, रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनएथिकल वंस। जो कहते हैं कि जो चीजें दिखती हैं तो वो आप उनको एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं इन एथिक्स, एंड पनिश अनएथिकल एक्ट वंस। सो मतलब आपको सिंपल वे में समझेंगे कि आप एथिकल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, एथिकल है, तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड दिया जाता है, आपके क्योंकि आपका काम अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस लेवल है, आपने अच्छे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया, आपका जो नेचर रहा है सबके साथ अच्छा रहा है, मिलनसार रहा है, कोऑपरेटिव रहा है, सपोर्टिव रहा है, तो दैट इज एथिक्स बिकॉज यू आर फॉलोइंग एथिक्स। आप कुछ भी ऐसे अनएथिकल काम नहीं कर रहे हैं। सो इफ यू आर डूइंग एथिक्स, इफ यू आर फॉलोइंग एथिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल बी रिवॉर्डेड, राइट। एंड वहीं पर जो पर्संस एथिक्स को फॉलो नहीं करते, अनएथिकल होते हैं, गलत चीजें करते हैं, लोगों के साथ पॉलिटिक्स करते हैं या फिर चीजें इधर की उधर करते हैं, कुछ लाइक अपने बेनिफिट्स के लिए एडवांटेजेस लेते हैं गलत तरीके से, तो उनके लिए उनको पनिशमेंट दी जाती है। सो एथिक्स के लिए रिवॉर्ड एंड अनएथिक्स के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। राइट, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ मैनेजर शुड इंक्लूड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर अगेंस्ट कोड ऑफ एथिक्स। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप परफॉर्मेंस, आपके जब परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है तो वहां पे क्या देखा जाता है, आपके एथिक्स को देखा जाता है। राइट, दैट इज व्हाई यू आर रिवॉर्डेड फॉर योर एथिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ देखेंगे प्रोवाइड प्रोएक्टिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्रिएशन ऑफ एथिकल काउंसलर्स, ऑम्बड्समैन और एथिकल ऑफिसर्स। ठीक है, सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी मशीनरीज होती है, लाइक ऐसे रोल यू कैन से कि ऐसे कमिटीज होती हैं, ऐसे सेटअप किए जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले पीपल हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, उनको काउंसलर दिया जाता है कि सही जजमेंट किया जा सके और इम्प्लॉयज का कि कौन एथिकल है, कौन अनएथिकल है, कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, किसको रिवॉर्ड देना चाहिए, किसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। राइट, सो कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स थ्रू दिस वे। राइट, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशंस। कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशंस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का हमारा सेशन रहा क्रिएटिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स देखे, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स देखे हमने। राइट, सो आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया हो। एथिकल कल्चर के अंदर जो हमने बातें की, जो हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा। आई मीन टू से दैट आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा मेरा सेशन तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, बुरा लगा तो भी बताइए कमेंट करके। राइट, दोनों ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।